टुडे आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और उसके सिलेबस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिलेबस में क्या दिया हुआ है। यूएसए में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पेशल इंस्टीट्यूट है, आप उसका वेबसाइट देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्पेशल इंस्टीट्यूट है, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सब्जेक्ट करने के लिए। और यूरोप में कई यूनिवर्सिटी में एमएससी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमटेक इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स रन किया जाता है। सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही एमटेक का डिग्री दिया जाता है। कई कोर्सेस आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको दिए जाते हैं। इससे इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू हर एक आदमी को गुजरना ही पड़ता है ना। आप किसी भी लाइन में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या किसी भी आप इंडस्ट्री में हैं या इंस्टीट्यूशन में हैं, आप किसी लाइन में हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या स्टेट में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपको प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, आप जो है 5 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट करेंगे, कहां पर रोड बनाएंगे, कहां पर क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट से मेगा प्रोजेक्ट तक होता है। सर आप बताइए। सर फाइनल ईयर में आ गए सर, हमें भी प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ, आपको भी प्रोजेक्ट बनाना है, वही तो मैं कह रहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको इम्पोर्टेंट है। हर एक आदमी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। 8 सेमेस्टर में भी आपको भी प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सर प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से बनाना है या कॉलेज वाले देंगे टॉपिक? नहीं, वो अपने मर्जी से बनाना है, वो अपनी मर्जी से बनाना है। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सारी टेक्निक आप सीखेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या मायने हैं, ये सारे चीजें, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे हैंडल किया जाता है। कोई भी एमएनसी आती है तो वो प्रोजेक्ट लगाती है, किसी इंडस्ट्री किसी कंट्री में गई तो वो प्रोजेक्ट लगाती है। कितने दिन का प्रोजेक्ट होगा, कितना बजट होगा, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, किस तरह प्रोजेक्ट ग्रोथ करेगा, किस तरह प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाएगा, किस तरह प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाएगा। सर हाँ बताइए। सर इंटरव्यू वाले भी आएंगे, कंपनीज आएंगी कॉलेज में? नहीं, वो तो अलग हो गया ना, वो तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कराएगा, वो इंटरव्यू वगैरह जो भी है। कराएगा, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ सर, आप भी फैकल्टी के सर आएंगे वैसे, कंपनीज आती है? नहीं, अभी जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं ना, बहुतों की जॉब लग गई है, बहुतों की जॉब लग गई है, इसीलिए अब ये मैकेनिकल बेल्ट है, गुड़गांवा फरीदाबाद मैकेनिकल बेल्ट है, जेसीबी है, स्कर्ट्स है, कई जगह कई बच्चों के जॉब लग गई है, इसलिए वहां पे जॉब का टेंशन मत लीजिए, जॉब लग जाएगी। सर कौन से कब आते हैं सर कंपनीज कॉलेज में इंटरव्यू लेने? वो तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का काम है, वही कराएगी, वो उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो तो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है,
अभी जैसे 8th semester के बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे थे, कई अपने अपने इंडस्ट्री में जॉब मिल गई है, सबको अच्छे अच्छे जगह प्लेस हो गए हैं सर, है ना। तो अच्छी बात है सर। तो ये मैकेनिकल बेल्ट है गुड़गांव का, फरीदाबाद का, सोनीपत का बेल्ट जो है ये कंप्लीट जो है, मानेसर से जो है आपका जैपनीज जोन भी है, तो कई नई नई इंडस्ट्री आ रहे, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, आपको घर के पास ही नजदीक आपको जो है अच्छा जॉब आपको मिल जाए, है ना। तो ये काम प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट का है, उनका करना है, उन्हीं से ये रिलेटेड काम है, है ना, वही आपको ये इसमें बताएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो वो अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करती है कि क्या क्या बनाने हैं, 5 साल में क्या क्या करने, वो मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है, 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। तो प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये जो है आपको काफी काफी इसका इम्पोर्टेंस है। कई जगह मैंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, कैसे रेगुलेट किया जाए प्रोजेक्ट को, वो सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। एक माइनर प्रोजेक्ट हो गया, मिनी प्रोजेक्ट हो गया, मेजर प्रोजेक्ट हो गया, सभी तरह का प्रोजेक्ट के बारे में कैसे डील करेंगे, वो सारा इसमें इस कोर्स में आपको दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है। तो कोर्स आउटकम पहले मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर देयर, कितने तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोजेक्ट आपको करना, प्रोजेक्ट का साइट डिसाइड करना, ये आपको जरूरी है कि भाई प्रोजेक्ट का साइट का सिलेक्शन कैसे होगा, प्रोजेक्ट का कहां पर स्टार्ट किया जाए, प्रोजेक्ट को अप्राइजल किया कैसे किया जाए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। हर एक इंडस्ट्री का यही मोटिव रहता है कि हम अच्छा प्रोजेक्ट लगाएं, अच्छा एक 5G का मोबाइल कंपनी का एक प्रोजेक्ट लगा दें, हम जो है पूरा प्रॉफिट गेन करें। तो ये प्रोजेक्ट अप्राइजल और सिलेक्शन में है कि प्रोजेक्ट का अप्राइजल कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, है ना, प्रोजेक्ट अप्राइजल और सिलेक्शन ये कैसे करेंगे। उसके बाद जो दूसरा कोर्स आउटकम है, डेवलप द प्रोजेक्ट नेटवर्क। प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट तो होता नहीं है, किसी का 10 साल लग जाता है, किसी का 15 साल लग जाता है, किसी का 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक एक्टिविटी होती है, वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी पहले फाइनल करना पड़ता है, ये एक्टिविटी होगा, उसके बाद ये एक्टिविटी होगा, उसके बाद ये एक्टिविटी होगा, एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ता है। और टाइम फ्रेम बनाने के बाद कैसे कैसे कंप्लीशन हुआ उसका कंट्रोल किया जाता है, उसका मॉनिटर किया जाता है, कौन सा एक्टिविटी पीछे है, कौन सा एक्टिविटी को पहले शुरू करना है, कौन सा एक्टिविटी में कितना ह्यूमन रिसोर्सेस लगेंगे, कितना कौन सा मेन पावर लगेगा, कितना उसमें फंड लगेगा, ये सारे डिसाइड करने पड़ते हैं। तो ये आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क है। प्रोजेक्ट नेटवर्क में दो टेक्निक यहाँ पर है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT, और दूसरा क्रिटिकल पाथ मेथड, है ना। दो टेक्निक इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होते हैं, दोनों टेक्निक को आप अच्छी तरह उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक क्या है, दूसरा क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, दोनों से कैसे जो है प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाता है, प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाता है ना, और रोल ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स इन द प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, ह्यूमन पे डिपेंड करता है, उसमें आपको ह्यूमन को मोटिवेशन आना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए प्रोजेक्ट को करने के लिए। प्रोजेक्ट हमेशा
पीपल हमेशा मोटिवेटेड रहता है तभी आपको प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होता है। तो इसमें ह्यूमन फैक्टर्स का रोल जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा है, उसके बारे में आप डील करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स और क्या क्या जो है ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या उसमें आपको किया जाएगा उसी के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग सिलेबस के बारे में जो कोर्स कंटेंट दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करते हैं कि इसमें क्या हुआ दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है और ओवरव्यू है। जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर नोट्स थे आपको भेज दिए गए, जरूरत से ज्यादा भेज दिए गए हैं, और एक एक टॉपिक का जो लेक्चर नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप कर दिया गया है, इसीलिए आपको कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जो है कोई बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर नोट्स भेज दिए गए है ना, तो आपको रिसोर्सेस की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर नोट्स आपको कंप्लीट दे दिए गए हैं, इसीलिए आपको सिलेबस भी दे दिया गया है, असाइनमेंट भी जो है आपको जो करना है वो भी भेज दिया गया है। तो आप जितना जल्दी असाइनमेंट करके जमा कर सकते हैं आपका बेटर आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। तो सभी तरह के लेक्चर नोट्स टॉपिक वाइज बिल्कुल जो है आपको भेज दिए गए हैं, कोई रिसोर्सेस की आपके पास कमी नहीं है। तो सिलेबस में हम लोग जो स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे ओवरव्यू लिया जाता है, उसका डिफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर द डिफिनेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट फेजेज, हर एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है। तो प्रोजेक्ट का ये फेजेज बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन ऑफ द फेजेज, ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और डिसीजन के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोजेक्ट का डिसीजन क्या क्या प्रोजेक्ट में डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो प्रोजेक्ट डिसीजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यूनिट टू में है गो नो गो डिसीजन, गो नो गो डिसीजन क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हर एक कंपनी का मोटिव रहता है कि कैसे जो है प्रॉफिट कमाया जाए, अच्छा प्रोजेक्ट लगाया जाए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द स्क्रीनिंग, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। हर एक कंपनी यही चाहती है कि हमारा कंपनी जो है ग्रोथ करता रहे और कैसे जो है अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। प्रोजेक्ट अप्राइजल, प्रोजेक्ट को अप्राइजल कैसे करेंगे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं आप देखे होंगे, कई इंडस्ट्रियां बंद हो जाती है, कई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो कारण वही है कि उसका प्रोजेक्ट का अप्राइजल सही ढंग से नहीं हुआ। प्रोजेक्ट का अप्राइजल सही ढंग से नहीं हुआ, इसी कारण से वो प्रोजेक्ट जो है आपको फेल कर गया। तो प्रोजेक्ट अप्राइजल में मार्केट एनालिसिस आता है, मार्केट का डिमांड एनालिसिस बहुत जरूरी है, मार्केट को कवर करना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द मार्केट, पीपुल एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, डिमांड उसकी है कि नहीं है, कोई भी आइटम की डिमांड है कि नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते रहना चाहिए। ये मार्केट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मार्केट सर्वे करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बहुत ही आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है लेकिन अगर मार्केट डिमांड नहीं है, पीपल में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा।
है ना। तो ये मार्केट एनालिसिस जरूरी है, उसके बाद टेक्निकल। कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट करना चाह रही है, कोई भी चीज बना रही है, तो टेक्निकली कितना सक्षम है उसके बारे में कंपनी उस पर विचार करेगी कि सारी मशीनें उसके पास है कि नहीं है, रॉ मटेरियल उसके पास है कि नहीं है, पीपुल उसके पास है कि नहीं। टेक्निकल एनालिसिस इसमें करना पड़ेगा पहले कि प्रोजेक्ट हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि नहीं है। जो भी मशीन चाहिए वो मशीन हमारे पास है कि नहीं है, तो टेक्निकल एनालिसिस प्रोजेक्ट का करना जरूरी है। कई प्रोजेक्ट इसी बेस पे फेल हो जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इसी से आगे हो जाता है क्योंकि टेक्निकली वो सुपीरियर रहता है। जो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी से आपको मल्टीनेशनल कंपनी का टेक्नोलॉजी बेटर रहता है, वो आपको मार्केट में कम्पीट कर जाता है। यही हो रहा है बहुत सारे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आपको यही हो रहा है। टेक्निकली साउंड है फोर्ड कंपनी, टेक्निकली साउंड है इसलिए मार्केट में उसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा है। टेक्निकली साउंड है वो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, कस्टमर जैसे डिमांड किया उसको तुरंत कस्टमर को वो मॉडल बना के दे देती है। फोर्ड कंपनी की जो है बहुत ही आपको टेक्निकली सुपीरियर है। सोशल इफेक्ट क्या है, वो सोशल एनालिसिस करना जरूरी है। अनसोशियल कंपनी वो चल नहीं पाती है, तो वो सोसाइटी के प्रति आपको क्या उसका रवैया है, सोशली में उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलता है नहीं मिलता है, ये आपको जरूरी है। इकोलॉजिकल इशू क्या है, इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू क्या है, इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू बहुत ही आपको कंसर्न आपको रखने लग गया है। सभी गवर्नमेंट अब रूल बनाने लग गई है इन्वायरमेंट के ऊपर में आपको सभी कंपनी रूल बनाने लग गई है कि ये जो कंपनी आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रही है उसको वहां से हटाने के लिए, बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इकोलॉजिकल आपको फैक्टर बहुत जरूरी है कंसीडर करना, व्हाट आर द इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर देयर, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, व्हाट आर द लॉज आर रिलेटेड विद देम। इकोलॉजिकल आपको कंसीडरेशन प्रोजेक्ट का करना जरूरी है। कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हुआ लेकिन इकोलॉजिकल नहीं है तो वो आपको दिल्ली में आपको नहीं लगने देगी, गवर्नमेंट मना करेगी कि नहीं पॉल्यूशन फ्री आपको होना चाहिए तभी आपको लगेगा। प्रोजेक्ट अप्राइजल में फाइनेंशियल अप्राइजल बहुत जरूरी है। 5G नेटवर्क का आपने नाम सुना होगा, 5G मोबाइल का, वो कहते हैं कि उसमें जो खर्चा है करीब 18 से 20 हजार का है, वो बेचती है अपना मोबाइल जो है 1-1.5 लाख तक का बेचती है वो। तो फाइनेंशियली वायबल कितना है, फाइनेंशियली मार्केट में कितना गेन हो रहा है, ये अप्राइजल इसमें आपको प्रोजेक्ट का जरूरी है। ये प्रोजेक्ट अप्राइजल आपको, ये 5 टेक्निक आपको दिया हुआ है। मार्केट एनालिसिस आपको करना जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है, सोशल एनालिसिस करना जरूरी है, इकोलॉजिकल करना जरूरी है, और फाइनेंशियल आपको करना जरूरी है। फाइनेंशियल एनालिसिस बिल्कुल जरूरी है आपको सर्वाइवल ऑफ द कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी का सर्वाइवल तभी आपको फिट होगा जब जो है आपको फाइनेंशियली गेन हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट को बनाने से, किसी प्रोजेक्ट को करने से फाइनेंशियली आपको गेन हो रहा है तभी आपको कंपनी वो आपको सर्वाइव करेगी। दूसरा, कोई भी स्टूडेंट इस पे आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, अभी इस पे एनालिसिस किसी ले करके आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप जो है प्रोजेक्ट बनाइए, रिसर्च पेपर लिखिए, एंड आई विल हेल्प यू। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के लिए यहां पर आपको 3 टेक्निक आपको दिया हुआ है, प्रैग्मेटिक अप्रोच, पेयर वाइज अप्रोच, एंड मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग अप्रोच, MADM अप्रोच का मतलब है मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग अप्रोच, मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ये 3 मेथड आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये 3 मेथड आपको न्यूमेरिकल है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, पेयर वाइज कंपैरिजन है,
पेयर वाइज उसमें कंपेरिजन करते हैं और मल्टी एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग अप्रोच मल्टी, ये तीनों में जो मेथड दिए हुए हैं तीनों का मैंने एक मल्टी एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग अप्रोच का एक थीसिस भी मैंने भेज दिया है, उसमें देखिएगा बहुत अच्छा थीसिस है। मल्टी एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग अप्रोच करता है पेयर वाइज कंपेरिजन करके, एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेरिजन करके आप निकाल सकते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा। तो ये यूनिट टू में जो टॉपिक दिए हुए हैं ये आपको काफी इंपोर्टेंट है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। ये आपको किसी प्रोजेक्ट का सक्सेस आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग पे डिपेंड करता है, आप उसको पहले स्क्रीन कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट अप्राइजल आप अच्छी तरह कर लीजिए, प्रोजेक्ट आपका फेल नहीं होगा, प्रोजेक्ट सिलेक्शन आप अच्छी तरह कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। ये आपको तीन मेथड आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है और तीनों मेथड के एक एक थीसिस भी मैंने भेज दिया है आपको, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का आपको मैंने थीसिस भेज दिया है। यूनिट थर्ड में डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क, किसी भी प्रोजेक्ट का नेटवर्क होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप ब्रिज बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है, अभी मेट्रो प्रोजेक्ट ज्यादा चल रहा है इंडिया में, दिल्ली में मेट्रो आ गया, वो अब दूसरे सिटी में वो कह रहे हैं कि मेट्रो लगाएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट ज्यादा चल रहा है, तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन होता है, तो ये नेटवर्क है, एक्टिविटी कैसे कैसे शुरू करनी है सारा वो उसका नेटवर्क है, तो वो आपको ये आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क कहलाता है। सिक्वेंसिंग ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी को एक एक करके लिखना वो आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क कहलाता है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेकडाउन कर देते हैं, हर एक एलिमेंटल वर्क में, एक एक एलिमेंटल वर्क में उसको डिवाइड कर देते हैं, वो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। रूल्स फॉर ड्राइंग एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट को नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने की क्या फुलकर्सन रूल है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, कैसे जो है प्रोजेक्ट नेटवर्क आपको बनाया जाता है, एक्टिविटी आपको कैसे बनाया जाता है, वो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। कंसिस्टेंसी क्या है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट नेटवर्क में कंसिस्टेंसी क्या है, व्हाट इज द रिडेंसी इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क, प्रोडक्ट नेटवर्क में रिडेंसी क्या है, उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट का कैसे किया जाता है उसके बारे में यूनिट थर्ड में स्टडी करेंगे। बेसिक शेड्यूलिंग विद द नेटवर्क, शेड्यूल कैसे किया जाए नेटवर्क का, मैंने एक्टिविटी बताया ना कि प्रोजेक्ट नेटवर्क में एक एक्टिविटी होता है जिसमें कई एक्टिविटी होते हैं, 20 एक्टिविटी किसी में होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 40 होता है, तो वो एक्टिविटी उसमें आपको डिसाइड रहता है और उसको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से शेड्यूल करना पड़ता है। तो शेड्यूलिंग को आप सीखेंगे कि आप जो है हर एक एक्टिविटी को, मान लीजिए कोई मकान बनाना है, मकान बनाने का एक्टिविटी हो गया, पहले आपको ग्राउंड ठीक करना पड़ेगा, ग्राउंड ठीक करने के बाद फिर जो है उसमें खुदाई करनी पड़ेगी, खुदाई करने के बाद जो है उसमें दीवार खड़ा करना पड़ेगा, दीवार करने के बाद जो है लिंटल लगाना पड़ेगा, लिंटल लगाने के बाद जो है उसमें ढलाई करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड फ्लोर बनाना पड़ेगा, फिर थर्ड फ्लोर बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए एक एक एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट का एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी नंबर वन, एक्टिविटी नंबर टू, एक्टिविटी नंबर थ्री, इसी को बेसिक शेड्यूलिंग विद द नेटवर्क करते हैं, शेड्यूलिंग विद द नेटवर्क इसी को करते हैं, इसमें फॉरवर्ड पास है बैकवर्ड पास है। अगर शुरू से हम लोग डिसीजन लेते हैं फर्स्ट एक्टिविटी से तो इसको फॉरवर्ड पास बोलते हैं, अगर पीछे से डिसाइड लेते हैं तो उसको बैकवर्ड पास बोलते हैं। ये फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कहलाते हैं। यूनिट फोर में सीपीएम एंड पार्ट है, सीपीएम एंड पार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये
दो टेक्निक आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आपको बताया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दो ब्यूटीफुल टेक्निक है, उसके न्यूमेरिकल आपको यही दो न्यूमेरिकल है सीपीएम और पट, उसके न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे और सीपीएम और पट पे आपको प्रॉब्लम आता ही आता है, क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। सीपीएम का मतलब हो गया क्रिटिकल पाथ मेथड, पट का मेथड हो गया प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। इस पे आपको न्यूमेरिकल आपको आता ही आता है, तो इस पे न्यूमेरिकल जो है आप उसको करेंगे और उसको देखेंगे कि कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल आपको सीपीएम और पट है, उससे आपको प्रोजेक्ट का आपको कंप्लीट कंट्रोल आपको पता चल जाता है। उसमें एक्टिविटी टाइम्स क्या है, हर एक एक्टिविटी का टाइमिंग होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे आप ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज बनाने के लिए हर एक एक्टिविटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले क्या होगा, कहीं पे इंडस्ट्री लगाना है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो उसमें कौन से एक्टिविटी पहले करनी है, उसको एक्टिविटी टाइम्स बोलते हैं। कंप्लीशन उसका कैसे होगा, व्हाट आर द फ्लॉट्स आर देयर इन द सीपीएम एंड पट, उसके बारे में स्टडी करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स, पट और सीपीएम का प्रॉब्लम्स के बारे में आप स्टडी करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, है ना। तो ये आपको यूनिट फोर में आपको सीपीएम और पट के बारे में आपको स्टडी करना है, क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, उसमें आपको एक्टिविटी टाइम कंप्लीशन टाइम्स प्लॉट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे यूनिट फोर में। यूनिट फाइव में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कैसे प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाए, प्रोजेक्ट को कैसे मॉनिटर किया जाता है, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, क्रैशिंग क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से कैसे उसको क्रैशिंग करते हैं, नॉर्मल और क्रैश ड्यूरेशन और कॉस्ट क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द प्रोजेक्ट क्रैशिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का मतलब है कॉस्ट को बढ़ा करके घटा करके देखना कि भाई प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको प्रोजेक्ट क्रेसिंग कहलाता है। तो प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कैसे प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर द प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, किसी मटेरियल का रॉ मटेरियल का रिसोर्स लेवलिंग कैसे करेंगे, ये इसके बारे में यहां पर स्टडी करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिसोर्स लेवलिंग, व्हाट आर द यूजगेज ऑफ द रिसोर्स लेवलिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर इन द रिसोर्स लेवलिंग। मैनेजिंग रिस्क क्या है, व्हाट आर द मैनेजिंग रिस्क इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में मैनेजिंग रिस्क मैंने आपको बताया कि पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने जाएंगे उसके पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप कहीं पे इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसा प्रोजेक्ट बनेगा, मार्केट कहाँ होगा, सारा चीजें आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। सारी अप्राइजल आपको करनी पड़ेगी, तो क्या क्या रिस्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्या क्या रिस्क है, वो मैनेजिंग रिस्क के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। रिस्क को जानना जरूरी होता है कि भाई हम कोई प्रोजेक्ट लगाना जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क है, व्हाट आर द अनसर्टेनिटी आर देयर एंड अनसर्टेनिटी विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के साथ में क्या क्या अनसर्टेनिटी है, उसके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। यूनिट सिक्स में रोल ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, किसी भी चीज को करने के लिए ह्यूमन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
ह्यूमन का रोल, पीपल का रोल, टीम वर्क करना, लीडरशिप करना बहुत जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट फेल करता है उसका मतलब है कि उसका लीडरशिप फेल कर रहा है। कोई प्रोजेक्ट फेल कर रहा है उसका मतलब है पीपल में जो आदमी है वो टीम में सही से काम नहीं कर रहे, वो आपको सही से वो उसका योगदान आपको सही नहीं है। तो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए ह्यूमन का जितना ज्यादा रोल रहता है ना, कोई भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें जो प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्रोजेक्ट का जो चेयरमैन होता है, वो मेन रोल आपको अदा करता है। उसमें जो आपको जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो आपको जबरदस्त रोल अदा करते हैं प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए। तो इसमें आपको रोल ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डीलिंग विद द पीपल, टीम बिल्डिंग कैसे करेंगे, टीम बिल्डिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आपको सिखाया जा रहा है। टीम बिल्डिंग आखिर वो सारे को टीम में काम करना वो जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए टीम में आदमी को काम करना जरूरी है। व्हाट आर द थिंग्स दैट इज टू बी द पीपल लर्न विद द टीम बिल्डिंग, टीम मेकिंग, ये जरूरी है। टीम में काम करना जरूरी है। एक आदमी इंडिविजुअली अच्छा काम कर सकता है लेकिन वो टीम के साथ काम करना जरूरी है तभी सक्सेस मिलेगा। टीम बिल्डिंग जरूरी है। प्रोजेक्ट में लीडरशिप आपको जरूरी है। लीडर बनना, फोरकास्ट करना क्या होने वाला है और क्या हम करने जा रहे हैं, ये आपको जरूरी है। ये लीडरशिप प्रोजेक्ट में क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, वर्क कल्चर। हर एक प्रोजेक्ट में कंपनी का अपना कल्चर होता है, वर्क कल्चर होता है। मारुति से भी कई आदमी को, मैनेजर्स को जापान भेजा जाता है कि आप जापानीज कल्चर सीख करके फिर मारुति में वापस आइए और फिर वर्क कल्चर को यहाँ पे डेवलप कीजिए। तो वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में आपको मेन रोल होता है। मोटिवेशन, ह्यूमन हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में किसी में हमेशा जो ह्यूमन है आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमेशा कुछ काम करने की जो है चाह होना चाहिए। तो व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर, कैसे मोटिवेट किया जाए उसके बारे में यहां पर स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, ह्यूमन को प्रोजेक्ट को काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। एटीट्यूड क्या है, इनोवेशन के साथ काम करना है। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट तभी फेल करता है जब उसमें इनोवेशन नहीं होता है। कोई भी काम अगर नयापन हो ना, नई चीजें हैं तो उसमें आपको इनोवेशन होने के साथ जो है वो सक्सेस कर जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट कीजिए उसमें इनोवेशन होना चाहिए तो प्रोजेक्ट आपको सक्सेस कर जाता है। तो इनोवेशन आपको जरूरी है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन किस तरह होगा वो आपको जरूरी है। रिव्यू एंड फ्यूचर डायरेक्शन प्रोजेक्ट का आपको कैसे होगा ये आपको यहां पर आप स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे किया जाए, क्या क्या स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के, रिव्यू एंड फ्यूचर डायरेक्शन, ये सारे उसमें आपको यहां पर आपको ये आपको 6 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट का आपको टॉपिक आपको आज बता दिया गया, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का एंड सिक्स्थ का। अब मैं पहले अटेंडेंस ले लूं उसके बाद जो है क्लास को कंटिन्यू करूं। अभिषेक दुबे जी इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी इज प्रेजेंट, यस सर, रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, चंदन शाह इज प्रेजेंट, यस सर, मानसु जी 17 इज प्रेजेंट, हिमांशु कुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट,
Jiten Rana ji, 23, is present. Nandini ji is present. Pawan ji is present. Ramdat Bhatt ji is present. 38 is present. Rishabh Nayak ji, 54, is present. Karthik ji, 24, is present. Rahul Chaudhary ji, 33, is present. Yes, sir. Shekhar ji, 41, is present. Prince Sarova ji, 31, is present. Yes, sir. Yes, sir. 33 is present. मैं फिर से सभी जो प्रेजेंट है उनका नाम पहले बता देता हूं. कार्तिक जी, 24, is present. ऋषभ नायक जी, 54, is present. रामधट भट्ट जी, 38, is present. पवन जी, is present. नन्नी गुज्जर जी इज प्रेजेंट. जितेंद्र राणा जी, 23, इज प्रेजेंट. हिमांशु पुंडीर जी, 18, इज प्रेजेंट. हिमांशु जी, 17, इज प्रेजेंट. चंदन शाह जी, 88, इज प्रेजेंट. आशीष जी, 7, इज प्रेजेंट. आकाश पवार जी, 3, इज प्रेजेंट. अभिषेक दुबे जी, 2, इज प्रेजेंट. रौनक कुमार जी, 39, इज प्रेजेंट. शेखर जी, 41, इज प्रेजेंट. राहुल चौधरी जी, 33, इज प्रेजेंट. सिंह सरोवा जी, 31, इज प्रेजेंट. राहुल चौधरी जी प्रेजेंट. राहुल चौधरी रोल नंबर 22, जनेश चौहान प्रेजेंट. हिमांशु की आवाज लग रही है ना? जनेश चौहान जी प्रेजेंट. हिमांशु की आवाज लग रही है ना? हाँ भाई, हाँ सर. एग्जिट हो गया, वो वैक्सीन लगवा रहा था वो. आज जो है वो सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या क्या है, सिक्स यूनिट में आपको वो मैंने आपको डिस्कस किया है, और जितने भी टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स हैं वो मैंने सारा आपको भेज दिया है. वो सारा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसीलिए आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी. आपको सारा उसमें आपको दे दिया गया है, यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा भी आपको कुछ थीसिस भी भेज दिए गए हैं, कुछ दूसरे जगह का लेक्चर नोट दूसरी यूनिवर्सिटी का भी भेज दिया गया है. क्वेश्चन पेपर भी आपको भेज दिया गया है और असाइनमेंट भी आपको भेज दिया गया है. तो ये सारे भेज दिया गया है. रिसोर्सेस आपके पास पूरा है, और ये आपको जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल है, इसमें आपको सीपीएम और पट ये दो आपके न्यूमेरिकल है. CPM और PUT ये आपके दो न्यूमेरिकल हैं, और यहाँ पर जो आपको तीन जो मेथड दिए हुए हैं ये आपको न्यूमेरिकल हैं. मल्टी एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग अप्रोच, इसकी मैंने एक थीसिस भेज दी है. पेयर वाइज कंप्लीजन अप्रोच, ये आपको न्यूमेरिकल है. बाद बाकी सारा आपका थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है. और PUT CPM भी जो है बहुत ही आसान आपको. सर अटेंडेंस होगी? हाँ बताइए, नाम बताइए. गौरव कुमार. गौरव कुमार जी का हो गया जी. तो इसमें सीपीएम और पट भी बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है. उसमें आपको इसमें स्टेप वाइज आपको बनता है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको फॉर्मूला इसमें नहीं है. इसीलिए ये पेपर आपको कंप्लीट स्कोरिंग है. आप इसमें कंप्लीट 100% मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं. तो आपको छह यूनिट में क्या क्या है वो आपको यहाँ छठा यूनिट में आपको रोल ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी आपको इंडस्ट्री सक्सेस करता है तो उसमें ह्यूमन का रोल आपको बहुत जरूरी होता है. कैसे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और रोल ऑफ द ह्यूमंस के बारे में कैसे डील करेंगे.